नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। करनाल के कोहन गांव में मुर्गियों के मरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की प्राथमिक रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। वही कोहन पोल्ट्री फार्म में निरीक्षण के लिए पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने बर्ड फ्लू की कंफर्मेटरी रिपोर्ट के सैंपल लेकर भोपाल भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म तौर पर कहा जा सकेगा कि बर्ड फ्लू के मामले हैं या नहीं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 1 किलोमीटर तक के सभी पोल्ट्री फार्म को भी सील कर दिया है। वही सभी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि करनाल के कोहन में कैलाश पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की प्राथमिक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन अब बर्ड फ्लू की भोपाल स्थित लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। फ्लू के कारण पोल्ट्री फार्म से हजारों की तादाद में मुर्गियां मरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते पशुपालन विभाग ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है। कोहन एरिया के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। कैलाश पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण करने पहुंची टीम ने पोल्ट्री फार्म की स्थिति का जायजा लिया है। जानकारी के अनुसार पोल्ट्री फार्म पर हजारों की संख्या में मुर्गियां मर चुकी हैं। करनाल डीसी निशांत यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में पूरी चौकसी बरती जा रही है। भोपाल भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्षेत्र को रेड जोन भी घोषित कर दिया जाएगा। कैंटन जोन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मुर्गियों को मारने के लिए व दबाने के लिए जेसीबी तैयार कर ली गई है। मुर्गी के लिए बैग भी तैयार है। फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार है। 66 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, हमेशा गवर्नमेंट को खर्चा दिया, मैंने बैंक से कर्जा ले लेके सारा कुछ बना रखा, बच्चों का काम कर रखा, फिर भी मेरे साथ ये काम हो रहा है। कोई डॉक्टरों की टीम आई थी, डॉक्टरों की टीम आई थी और इनको देख के भाग लिए हमारे दैनिक भास्कर वाले। क्यों जी, कुछ नहीं जवाब देते। क्यों जी, कोई जवाब नहीं देके गए। ना ना, 30 साल के बाद ये काम हुआ पहली बार, और इससे पहले कभी कोई इंश्योरेंस मैंने आज तक नहीं लिया। हमेशा इंश्योरेंस फार्म के करवाए हुए हैं, बिल्डिंग के करवाए हुए हैं, गोदाम के करवाए हुए हैं, समझ गए जी। तो कलाल जी, इस प्रकार की भी बातचीत सामने आई कि भी आप लोगों ने खुद ही लिख के दे रखा है कि भी हमारे बर्ड है जो बूढ़े हो चुके हैं। ना ना, गलत बात है, गलत कोई बात है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बूढ़े खाते हो गए अंडा हरा रेगुलर। डॉक्टर ने आके हमारे से ये पूछा अभी आज मुर्गी कितनी मरी, अंदर सारी मुर्गियां मरी पड़ी है, ये पूछते हैं अभी क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया मुर्गी का। अब कहते हैं जी अभी 2-3 दिन होल्ड लगेंगे, जब बैलेंस कम हो जाएगा तो हम आ जाएंगे आपके फार्म पे, ये बार गिनती दे दो भाई मुर्गी कितनी जिंदा रह गई। तो आज कितने टीम आई थी? ये 5 डॉक्टरों की टीम आई है, किसी ने अपना नाम नहीं बताया। तो ये आपने जो पीछे भी सैंपल गए थे उनकी रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा आपने? इनसे मैंने पूछा भी रिपोर्ट बताओ। कहने लगे जी भोपाल रिपोर्ट गई हुई है, आ जाएगी। और 8 दिन हो गए आज, 8 दिन में कोई बताने को तैयार नहीं है अभी रिपोर्ट कब आएगी। तो क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है जी हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, सरकार द्वारा छुपाया जा रहा है। यानी कि जो अधिकारी हैं वो सही 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 जानकारी नहीं दे रहे, ये छुपा रहे हैं लोग। तो अब आगे इस सूरत में अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जी, हमारा तो नुकसान करोड़ों रुपए का हो ही गया है जी, हम तो बैठ के देख रहे हैं जी खाली। तो बर्ड फ्लू को गवर्नमेंट क्लियर नहीं करना चाहती। तो डॉक्टरों की टीम जिस प्रकार से कल आपने आरोप लगाए थे कि मिस गाइड कर रही है आप, हाँ जी क्या कह रही है? वो कहती है जी कह दो जी मुर्गी ठंड से मरी है, मुर्गी ठंड से इतनी कैसे मर सकती है। आज भी इस प्रकार की कोई बातचीत हुई है? आज इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई जी। किसी प्रकार का कोई दबाव डॉक्टरों का? एक डॉक्टर ने पहले दिन दबाव डाला था, उसके बाद दोबारा फोन नहीं आया उस डॉक्टर का। कल जिस प्रकार से मीडिया में चैनल में खबर आई है, तो उसके बाद भी कोई दबाव आपके पास है? ना जी, हमारे पास कोई दबाव नहीं आया। हमारे पास तो सुबह फोन आया था आपके बारे में कोई डॉक्टर की टीम नहीं आएगी। अच्छा, जब आपका फार्म पूरा खत्म हो जाएगा, 1000-2000 बर्ड बचेंगे, आपके फार्म पर डॉक्टर की टीम जब ही आएगी। ये किसने कहा आपको? इन्हीं के आदमियों ने कहा है जी, किसी ने। तो आज भी आप जो कर्मचारी हैं आप लोग भी बीमार हैं, कोई चेकअप के लिए आया? कोई चेकअप के लिए हमारे पास नहीं आया जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.